नमस्कार स्टूडेंट्स, ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे GVTI ई लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री सॉल्यूशंस 12th क्लास चैप्टर 2nd। सॉल्यूशंस चैप्टर हमारा चल रहा है, 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, आज है हमारा 4th लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी के बारे में। सो व्हाट इज मोलैलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल एम से इसको लिखा जाता है, डेफिनेशन इसकी होती है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना टॉपिक जो है उसको कवर कर रहे हैं। हमारा हो चुका है मोलैरिटी तक, लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन कवर किए थे कुछ, आज हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी पहले हम सीख लेते हैं कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम धड़ाधड़ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ये है फॉर्मूला होता है, मैं दोनों का मतलब बता देता हूँ। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बस एक नोटेशन करने का एक मेथड है। ये सब आप मुझे लगता है जानते भी होंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं, उसकी डेफिनेशन है कि मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स और डिसॉल्व कर दिए जाएं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। हमने सॉल्वेंट का यूज किया है यहाँ पे, और केजी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मास को रिप्रेजेंट करता है। तो मास आप किसका ले रहे हैं एक्चुअल में? आप, हम मास ले रहे हैं सॉल्वेंट का। और मोलैरिटी में क्या लिया था हमने? मोलैरिटी में हमने, इतना तो याद होता है सबको, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का लिया था, बस वो लीटर्स में लिया था। ये अंतर है मोलैरिटी और मोलैरिटी के फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहां पर हम जानबूझकर 1 kg लेते हैं। अब जरूरी थोड़ी है, अगेन वही सवाल उठता है, क्या आपका हमेशा 1 kg होगा आपका सॉल्वेंट? नहीं, 4 भी हो सकता है, 400 ग्राम भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, 95 ग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ग्राम, किलोग्राम, कुछ भी। तो फॉर्मूला बना दिया, क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो फॉर्मूला आप याद रखें, सोलवेंट को आप याद रखें कि नंबर ऑफ मोल्स तो सोल्यूट के रखेंगे, लेकिन मास किसका रखेंगे? सोलवेंट का, वो भी किस में? किलोग्राम में। ये आप जानते होंगे, एक ग्राम अगर है तो उसे 10^-3 किलोग्राम हम लिख देंगे। और कोई फॉर्मूला आप याद ना करें, यही फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें। अब देखिए यहां पर यूनिट की बात करते हैं, मोलैलिटी की, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को लिखा स्मॉल एम से, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट हम जानते हैं मोल, डिवाइड में मास जानबूझकर किस में रख रहे हैं? किलोग्राम में, केजी में। सो इसकी जो यूनिट बनती है मोल केजी इनवर्स या मोल पर केजी, इसी को स्मॉल एम लिख देगा, इसी को हम स्मॉल एम लिख देते हैं, एग्जामिनर लिख लेता है। अब हम चलते हैं इसके सिग्निफिकेंस पे। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई, कि इसका मतलब अगर आपको दे दिया जाए कोई भी मोलैलिटी की वैल्यू, तो हम उसको कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हम करेंगे एनसीईआरटी के। तो सिग्निफिकेंस जस्ट लाइक जैसे मोलैरिटी हमने किया था, यूज कैसे करते हैं मोलैलिटी को। तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 5 m एक्वस सॉल्यूशन, या सिंपल कोई सॉल्यूशन है, सिंपल कुछ लिख दिया उसने। एक्वस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि सॉल्वेंट आपका क्या होगा? वॉटर होगा, सिर्फ इस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 5 molality या 5 molal इसको क्या लिख देगा? मोलल सॉल्यूशन, मोलल वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? 5 डेफिनेशन पे जाएं, अगर और कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना लिख के दे दिया कि 5 molal एक्वस सॉल्यूशन है, है ना, और कुछ नहीं दिया, कोई मास नहीं दिया, कोई वॉल्यूम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ पूछ रहा है वो, मोलैरिटी में कन्वर्ट करे, मोलैरिटी से मोलैरिटी का क्वेश्चन हम करने वाले हैं, कुछ भी पूछ रहे, कुछ भी पूछ ले, मोल फ्रैक्शन पूछ रहे, कुछ भी नहीं दिया, तो हम इसको सिंपल लिख देंगे 5 mol अपॉन, सिंपल क्वेश्चन करने के लिए 1 kg। आप यहाँ 10 mol अपॉन 2 kg भी लिख सकते हो, मेरी एडवाइस है नीचे आप 1 kg लिखें यूजिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है मोलैलिटी की, कि जितनी भी वैल्यू लिखी है उतने मोल्स कर दो सॉल्यूट के, और उसको डिसॉल्व कर दिया गया है जानबूझकर सॉल्वेंट के 1 kg में। तो यहां से कनेक्शन अगर हम बनाएं
तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैं बी से हमेशा सोल्यूट को लिखता हूँ 5 मोल, और मैंने बताया था मोल्स का क्या मतलब होता है, मोल्स का मतलब होता है कि जितने भी मोल्स हैं उसको गिवन मास में कन्वर्ट कर देंगे अगर हम उस वैल्यू को मोलर मास से मल्टीप्लाई करें। तो 5 मोल का मतलब है अगर आप 5 को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, ग्राम लगा दें, तो ये गिवन मास आ जाएगा। किसका गिवन मास आ गया, ये आ गया आपकी बी का गिवन मास, ठीक है, इस चीज का यूज होगा आगे। और डब्ल्यू ए यानी सॉल्वेंट का वेट कितना है, कनेक्शन देखिए 1 किलोग्राम, इससे अगर कुछ और हमें निकालना होगा तो वो हम निकाल लेंगे। तो ये मतलब है मोलैलिटी का, वैल्यू से क्या हम डिपिक्ट करते हैं, क्या हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, ये चीज इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि जो भी वैल्यू है वो मोल को रिप्रेजेंट करती है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1 kg इन केस ऑफ मोलैलिटी। इन केस ऑफ मोलैलिटी क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो इतनी होते हैं, मान लीजिए ये आपका 5M लिखा होता तो ये 5 मोल ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता, लेकिन 1 लीटर किसको रिप्रेजेंट करता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता, ये डिफरेंस था, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, ये मास परसेंटेज का क्वेश्चन है तो इसको बाद में करते हैं, पहले हम एक मोलैलिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक मोलैलिटी का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 है ये। तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, फॉर्मूला लिखा है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो दे दिया, तो आप देख सकते हैं मोलल वर्ड यहाँ पर लिख दिया गया है और उसके साथ एक वैल्यू है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता होना चाहिए। मोलल मतलब मोलैलिटी, और जहाँ मोलैलिटी वहाँ मोल पर केजी, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, तो क्या होगा, जिसका फॉर्मूला होता है आप 99% उसको सोल्यूट मान सकते हैं। और देखें यहाँ पर एक चीज लिखी गई है एक्वस, तो यहाँ से तो अब ये बिल्कुल 100% हम श्योर हो गए कि सोलवेंट क्या होगा, वॉटर होगा, पूरा हम लिख देते हैं, एक एक चीज हम लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है तो मोलर मास है, इसका मोलर मास दिया होगा पेपर में, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो शायद आपको याद भी हो गए होंगे। तो इस इतना इतना पोर्शन का हो गया 14 + 2 = 16, इतने भी पोर्शन का 14 + 2 = 16, इसका होता है 12 और इसका होता है 16, तो 48 + 12 यानी 60 ग्राम मोल इनवर्स। इस चीज की चिंता ना करें मोलर मास की, आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलता है। आगे चलते हैं, और क्या दे रखा है, मोलैलिटी दे रखी है, इसके अलावा और हमें क्या दे रखा है, जो जो चीज लिखी है वो हम लिखे, रिक्वायर्ड इन 2.5 किलोग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यूरिया को जब डाला गया होगा उसमें, ठीक है, अब यूरिया का भी कुछ मास उसमें होगा, लेकिन ये जो मास हमें दे रखा है क्योंकि कुछ लिखा नहीं गया और यूरिया का तो वो मास पूछ रहा है, तो जो मास आपको दे रखा है वो किसका हमें मानना पड़ेगा, ये हमें मानना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमें मजबूरी में मानना पड़ गया, मान लो ज्यादा आंसर में इधर उधर नहीं होता, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। अगर वहां यहीं पे वॉल्यूम कुछ लिखता फिर मास पूछता, ठीक है, तो हम डेंसिटी का यूज करते जो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, आगे वाले क्वेश्चन में आपको डेंसिटी मिल जाएगी, आप देखिएगा। तो इसमें हुआ क्या, मोलैलिटी दी थी, मोलर मास हमने निकाल लिया, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, इसमें क्या पूछ रहा है, मास ऑफ यूरिया, यूरिया क्या है, सोल्यूट है, तो मास जब भी एक वर्ड डिपिक्ट करे आपको कि लिख के दे दे कैलकुलेट द मास, तो एक्चुअल में बात करता है गिवन मास की, तो इसमें आपसे गिवन मास पूछा जा रहा है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, आप पूरा लिखेंगे मास ऑफ सोलवेंट इन kg, वैल्यूज रख देते हैं, क्योंकि देखिए मोलैलिटी का मतलब था कि 1 kg में मोल्स जो आपके सोल्यूट के हों, लेकिन यहाँ पर आपका सोलवेंट का मास दे दिया गया है तो हम 1 kg नहीं लिखेंगे, है ना, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तब हम 1 kg लिखते। तो मोलैलिटी की वैल्यू है 0.25, एक एक चीज लिखते हैं मोल पर kg। एनबी की वैल्यू क्या होगी, एनबी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी, गिवन मास कितना है, गिवन मास हमसे पूछा गया है, गिवन मास रखा, मोलर मास कितना है 60 ग्राम, मोल इनवर्स डिवाइड का निशान लगाते हैं, फिर ये वाला डिवाइड हो गया। डब्ल्यू ए इन केजी कितना है, डब्ल्यू ए इन केजी है हमारा 2.5 किलोग्राम। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, सो आप यू कैन सी 0.25 मोल पर केजी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन 60 ग्राम
एक एक चीज लिखनी है आपको, ताकि आप कैलकुलेशन में बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। और अगर आपने फॉर्मूला पढ़ लिया हो गलती से कि 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई करें, तो ऐसी गलती ना करें भैया, वो तब होता है जब ये आपका ग्राम में होता है। हर बार अगर आप 1000 ऊपर रख देंगे तो मोलैलिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि गलत होगा। जब ऑलरेडी केजी में दे रखा है तो हम 1000 ऊपर क्यों लिखें, ठीक है? तो एक ही फॉर्मूला आप याद रखें मोलैलिटी का, इसलिए मैंने कहा था कि दूसरा फॉर्मूला कभी भी याद ना करें। तो केजी से केजी कट जाएगा, कल को मिलीग्राम में दे दें, सोलवेंट का वेट है वो मिलीग्राम में दे दे, ऐसा होता नहीं है, दे दे, लेकिन बाय चांस वो दे दे भाई मिलीग्राम में, तब आप क्या करेंगे? तब तो मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10^6 आएगा, और आप 10^3 ऊपर लिखते रहोगे, यानी 1000, तो गलत हो जाएगा। तो गलत नहीं करना है, बिल्कुल चीज़ों को एक एक चीज़ को देख के समझना है। तो अब यहाँ से आपका बिल्कुल प्यार से डब्ल्यू भी आ जाएगा 0.25, आप देख सकते हैं मोल इनवर्स से मोल कट जाएगा, तो बिल्कुल यूनिट के साथ आता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल यूनिट के साथ आएगा। मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल, लेकिन गिवन मास की यूनिट क्या होती है? सिंपल ग्राम। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ये आ रहा है 37.5, आंसर हमारा आ गया, इजी था। तो ये था इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मोलैलिटी से मास हमने निकाल लिया। तो हमने क्या क्या मोलैलिटी दी हुई थी? मोलर मास फॉर्मूले से निकाल लिया था, और जो भी केजी में लिखा होगा वो 99% मास ऑफ सोलवेंट ही होगा, इस चीज़ की आप चिंता ना करें, ऐसे क्वेश्चन में मास ऑफ सोलवेंट ही होता है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तीनों चीज़ पूछनी है, 2.5 इंडेक्स क्वेश्चन है, मोलैलिटी भी पूछ लिया, मोलैलिटी भी पूछ लिया, और मोल फ्रैक्शन भी पूछ लिया। और हमें दिया क्या है? डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI, इतनी डेंसिटी है। डेंसिटी को कैसे पहचाना मैंने? ग्राम पर मिलीलीटर से। यूनिट्स आप याद करें यार, है ना, यूनिट्स अगर याद है तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली, यूनिट्स याद नहीं है तो क्वेश्चन में दिक्कत ही होती रहेगी, तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि 20% मास बाय मास, यानी डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, कौन है भाई डब्ल्यू बाय डब्ल्यू? एक्वस KI, मतलब KI के बारे में, एक्वस के बारे में नहीं है। एक्वस का मतलब क्या है? कि उसमें पानी है। एक्वस का मतलब क्या है? उसमें पानी है। उसमें KI कितना है? वो 20% है, ये मतलब होता है इसका। तो 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू आपका KI है, 80% क्या होगा? वाटर होगा। ये हम कर चुके हैं, हम चीज देख चुके हैं, ठीक है? तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हमारी पहली लाइन क्या होती थी? लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको कि हम इसको बी मान रहे हैं, सॉल्यूट मान रहे हैं, इसको ए को वाटर मान रहे हैं, सॉल्वेंट मान ली रहे हैं, दे रखा है सॉल्वेंट, ए को हम सॉल्वेंट लिखते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 20 ग्राम, 20% ऑफ 100, और सॉल्वेंट यानी जो वाटर का मास है वो हो जाएगा 80 ग्राम, 80% ऑफ 100, ठीक है? इसका मोलर मास भी लिख लेते हैं। KI का मोलर मास यहाँ पे नहीं लिखा है, वो एग्जाम में देगा, वो पोटेशियम का दे देगा और आयोडीन का भी दे देगा, जोड़ेंगे तो 166 ग्राम। याद नहीं करना है, मोलर मास याद मत करिए, और मोलर मास ऑफ वाटर हो जाएगा, वाटर का तो मोलर मास आपको याद हो गया होगा 18 ग्राम पर मोल। तो पहला क्वेश्चन है मोलैलिटी, मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो निकाल देते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे? गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी, डिवाइड का निशान ये वाला, डब्ल्यू ए इन केजी। डब्ल्यू ए कितना है? 80 ग्राम में है। ग्राम को किस में चेंज करेंगे? किलोग्राम में। बच्चा बच्चा जानता है ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं। बस अब ये हो गया, इसको आप रिजोल्व कर लो, थोड़ा सा बढ़िया से लिख लो, 1000 ऊपर आ जाएगा। अब देखो 1000 ऊपर आ गया, क्यों आया? क्योंकि आपका डब्ल्यू ए किस में है? ग्राम में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ग्राम में है। तो मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला यही याद रखें, बार बार मैं कहूँगा कि फॉर्मूला यही याद रखें, अपने दिमाग का आप यूज़ करें बस। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 20/166 है ना, ये बन रहा है आपका 0.1204। तो हमारे एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आए हैं ये 0.1204। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन भी हमें निकालना है, सो इसको भी निकाल लेते हैं। ये होगा 80/18। गिवन मास ऑफ एन ए क्या होगा? गिवन मास ऑफ ए डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए। तो 80/18 मैं लिख भी देता हूँ, गिवन मास ऑफ ए डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए 4.44 मोल। एक एक चीज मैं लिख रहा हूँ, 0.1204
ठीक है, इन 2000 बाय 80 अगर हम करें टू, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, मेरी आपसे एडवाइस है आप कैलकुलेटर यूज ना करें, डिवाइड बाय 80, वन पॉइंट 505 मोल केजी इनवर्स, 0. मोल केजी इनवर्स, ये आ गई वैल्यू मोलैलिटी की। ठीक है, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोलैरिटी है। ठीक है, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकाल दें, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रेडी हैं दोनों के। तो पहले मैं तीसरा पार्ट सोल्व कर देता हूँ। एक्स बी क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, या एक्स ए निकाल देते जो भी आपका मन करे। तो हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई है ना, 0.1204 डिवाइड बाय 0.1204 डिवाइड बाय प्लस 4.44। तो ये तो क्वेश्चन हम कर चुके थे मास परसेंटेज से मूल फ्रैक्शन निकालने का, पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में ही मैंने क्वेश्चन करा दिया था ना, तो ये आप कर लोगे। अब ऐड करके भाई डिवाइड करना है, जो भी एक्स बी आएगा उसको वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका एक्स ए आ जाएगा। तो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब हम चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। मोलैलिटी निकाल लिया हमने, अब हम निकालने जा रहे हैं मोलैरिटी। ठीक है, मोलैलिटी से मोलैरिटी हम निकालने जा रहे हैं। हम इस क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकते हैं, वो ऐसे दे सकता है, मोलैरिटी दे देगा, मोलैलिटी आपको निकालनी पड़ेगी, बशर्ते डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया हो। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन जब तक नहीं देगा आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, मोलैरिटी को मोलैरिटी में चेंज नहीं कर सकते, मोलैरिटी को मोलैरिटी में चेंज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये किसकी डेंसिटी है, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेंसिटी नहीं, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी है, 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है। ठीक है, तो मोलैरिटी अगर आपको निकालनी है, हम दूसरा पार्ट सोल्व कर रहे हैं। मोलैरिटी क्या होता है, एन बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूले रटे होने चाहिए। तो एन बी तो है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है हमारे पास 0.1204 मोल। हमारे पास कहीं भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ना मिलीलीटर में ना लीटर में। तो ये निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम किसका चाहिए भाई, सॉल्यूशन का। डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की। वी नो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेम सब्सटेंस। सॉल्यूशन का डेंसिटी है तो वेट भी उसी का रखना है, मास भी उसी का रखना है, और वॉल्यूम भी उसी का रखना है। इसकी वैल्यू है इतनी ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो वेट कितना था सॉल्यूशन का, ये बच्चे को दिखता नहीं है, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन बच्चे को दिखता नहीं। हमने पहली लाइन में ही मास ऑफ सॉल्यूशन कितना माना था, 100 ग्राम, उसी से तो ये सब करा है। यही नहीं मानते तो ये सब होता ही नहीं। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, 100 ग्राम अगर आपने माना है तो दिमाग में बैठा ले उसको कि सॉल्यूशन का मास हमारा 100 ग्राम माना था हमने, बार बार ढूंढाना पड़े आपको। तो आज के बाद परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज वाले मास बाय मास अगर लिखा है, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, ढूंढने की जरूरत नहीं, ग्राम से ग्राम कटा। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल आने को तैयार। देखिए मिलीलीटर को यहाँ भेज देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ भेजा तो 100 मिलीलीटर अपॉन 1.202 नीचे आएगा। ये यहाँ भेजा है, मिलीलीटर को यहाँ भेजा है, 1.202 को भी नीचे भेजा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, कैलकुलेशन में कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ये आएगा डिवाइड करके 83.194 मिली लीटर। तो आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा आ चुका है। तो क्या मोलैलिटी नहीं आएगा, मोलैलिटी नहीं आएगा, 0.1204 ये मोल थे। ठीक है, डिवाइड बाय 83.194 ये मिली लीटर में था, लीटर में आप चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, अब 1000 ऊपर चला जाएगा और लीटर, लीटर तो नीचे रहेगा ना। हमने क्या किया, सिर्फ मिली को चेंज किया है, लीटर आपका नीचे ही है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ मोलैरिटी का कोई भी और फॉर्मूला आप ना पढ़ें, सिर्फ यही फॉर्मूला पढ़ें, अपना दिमाग का बस यूज़ करें। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें, वन पॉइंट फोर फोर सेवन मोल लीटर इनवर्स, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये था कन्वर्जन ऑफ
मोलैरिटी से मोलैलिटी हमने कर लिया। और आप और भी अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, ये क्वेश्चन समझ आया हो, तो हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने मोलैलिटी निकाली थी, है ना। मोलैलिटी आ गई, कितनी आई थी, इतनी आई थी। वो चाहता तो अगला क्वेश्चन ये बना सकता है कि मोलैलिटी इतनी है, मोलैलिटी कैलकुलेट करें अगर डेंसिटी इतना है। तो मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं यूजिंग मोलैलिटी, यूजिंग डेंसिटी अगर गिवन हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मोलैलिटी नहीं भी पूछता, ये नहीं पूछता और ये ना देता, डेंसिटी नहीं देता, तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मोल फ्रैक्शन हम निकाल चुके थे और मोलैलिटी में मास का यूज होता है, वॉल्यूम का यूज नहीं होता। तो मास परसेंटेज से मास तो आ ही जाते हैं अब हमारे सोल्यूट और सोलवेंट के। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया था। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का हम करते हैं, पीपीएम। इसका क्वेश्चन मैंने नहीं कराया होगा पीपीएम का, डेफिनेटली क्वेश्चन एक ही है, वो क्वेश्चन आसान है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला लिखा है उसका, जिसका भी फॉर्मूला लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है कि 99% चांसेस है कि वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। दोनों का ही फॉर्मूला लिखा है तो फिर उसमें सोल्यूट और सोलवेंट का कोई झंझट नहीं होता है, बशर्ते आपको ये पता हो कि सोलवेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें डिजोल्व किया जाए, है ना। दोनों के फॉर्मूले लिखे कोई बात नहीं भाई, इसको इसमें डिजोल्व करें, ए इज डिजोल्व इन बी या बी इज डिजोल्व इन ए, तो जो डिजोल्व इन के बाद जो वर्ड लिखा है ए इज डिजोल्व इन बी, यानी बी आपका सोलवेंट का काम कर रहा है। हम बी को सोल्यूट लेते हैं, वो अपने कंफर्टेबिलिटी, मेरा जोन है वो कंफर्टेबल का। सपोज टू बी कार्सिनोजन, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm। तो ppm की कंसंट्रेशन कितनी है कंटामिनेशन की, 15 ppm। इसका मतलब क्या है, ppm का मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इनटू 10^6 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स या सिंपल पार्ट्स ऑफ ऑल टोटल कंपोनेंट्स, ये फॉर्मूला होता है। अब मान लो ppm, जब मास परसेंटेज आपको दिया होता था, याद कीजिए अभी अभी क्वेश्चन किया है, मास परसेंटेज 20% दिया था, तो हमने 100 ग्राम माना था सॉल्यूशन को। मास परसेंटेज में याद कीजिए यहाँ पे होता था मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, यहाँ पर है 10^6। तो ppm में हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन का भी 10^6 मान लेते हैं, डिनोमिनेटर ही तो मानते हैं हम, 10^6 मान लिया। अब उसमें ये कितना है, क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेशन कितनी है, 15 है। क्या हमने मास परसेंटेज में नहीं किया था, अगर 20% में आपको दे दूं 100 ग्राम अपने मास सॉल्यूशन का माना, तो सॉल्यूट का हो जाएगा 20 ग्राम, सॉल्वेंट का हो जाएगा 80 ग्राम, सिंपल था। ऐसे यहाँ होगा, अब इसका हो जाएगा 10^6 - 15, विच इज अप्रोक्सीमेटली टू 10^6, मतलब इसको आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था ppm। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा हुआ है, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। w बाय w में एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है, तो w बाय w क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट इनटू में 100% डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो हो गया, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, देखिए इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 15 ppm, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर डिकोड करा था कुछ, तो एक बात बताइए किसकी हमें मास परसेंटेज निकालनी है, हमें निकालनी है CHCl3 की, तो उसका कितना वजन है 10^6 में, 15 था जितनी कंसंट्रेशन थी, जैसे 20% था तो उसका वजन क्या लेते थे 20 ग्राम, इसकी 15 ppm है तो 15 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हम मास परसेंटेज में किसको मानते थे, इसको मानते थे 100% को, 100 ग्राम लिखते थे, यहाँ पर हमने किसको माना है 10^6 को, तो 10^6 टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100%, तो ये आ जाएगा 15 × 10^-4%। बुक में लिखा होगा 1.5 × 10^-3%, पॉइंट यहाँ पे है ना 0.0, इसको पीछे ले आए, ये करा है, ईजी है क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, मोलैलिटी पूछ रहे हैं भाई साहब। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। बी है क्या आपका, बी था आपका क्लोरोफॉर्म था, तो 12 इसका मोलर मास, भाई जिसका फॉर्मूला है उसका पहले मोलर मास ही निकाल दिया करो। हाइड्रोजन का 1, 3 क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 35.5 होता है ना, ये आएगा आपका 109 आएगा शायद, कैलकुलेट कर लेते हैं,
प्लस 12 प्लस 1 119.5, माफ कीजिएगा 109 बोल दिया था, 119.5 ग्राम पर मोल आपका आ गया। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स नहीं आ जाएंगे, कितना गिवन मास है? अभी अभी हमने डिकोड करके लिख लिए थे, गिवन मास है 15, गिवन मास था 15 ग्राम, मान लिया था ग्राम में, और मोलर मास कितना है 119.5 ग्राम मोल इनवर्स। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 डिवाइड बाय 119.5, 0.1125 मोल आ रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करके। और व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन, मास ऑफ सॉल्वेंट लिख लेते हैं, केजी में तो बाद में चेंज कर लेंगे, हमें आता है भाई चेंज करना। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा 10^-6 - 15, है ना, तो अप्रोक्स कितना था वो, अप्रोक्सीमेटली 10^6 ग्राम में। अब एक आपके मन में सवाल उठेगा कि इसको तो ग्राम में माना, इसको इसको किसे मानते, इसमें भी तो ग्राम ही मानोगे ना, ये कटना चाहिए ना, ये कट के 15 आया, मतलब जो ऊपर की यूनिट थी वही नीचे की यूनिट होती है। जैसे यहाँ पे सोल्यूट वेट बाय वेट परसेंटेज में, मास बाय मास में आप 100 ग्राम सोल्यूशन का वेट मानते हो, तो इससे 20 ग्राम आता है ना, और सोलवेंट का रिमेनिंग पोर्शन में जो मास बचेगा वो आएगा। तो यूनिट शुड बी सेम इन द केस ऑफ ppm, W/W, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो WA आ गया, मोलैलिटी के फॉर्मूले में रख दीजिए, एन भी कितना है 0.125 मोल 10^6 ग्राम में है, इंटू 10^-3 अगर मैं लिखूँ तो किलोग्राम हो जाएगा भाई, 1000 ऊपर आ जाएगा आपका, तो 125 हो जाएगा ये ऊपर आएगा। तो अब मैं कैलकुलेशन आपके छोड़ता हूँ, ठीक है, या इतना भी मत करिए, इतना भी क्यों करना, हम काटा पेटी स्टार्ट करते हैं, इजी, बिल्कुल इजी रखना है सॉल्यूशन चैप्टर जो है, इजी रखना है आपको। ये कितना हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 10^3 बचेगा, मोल केजी इनवर्स डिवाइड कर दीजिए, या मैं कहता हूँ डिवाइड मत करिए, इतना ही छोड़िए, 10^-3 मोल केजी इनवर्स आ जाएगा। ये आपकी बुक में शायद ये लिखा हो, पॉइंट को इधर करके 1.25 × 10^-4 मोल केजी इनवर्स। अगर आपको, अगर आपने 11th क्लास ढंग से पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन 11th क्लास में भी था, मुझे ध्यान नहीं है 15th क्वेश्चन था या 16th क्वेश्चन था, बट सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 11th क्लास का था, तो आपका 11th क्लास का भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो आज हमारा जो है कंसंट्रेशन वाला पार्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वो ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन मास परसेंटेज का था, वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, एक और क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें स्टोइशोमेट्री लगेगी आपकी, वॉल्यूम पूछा हुआ है उसमें, 6th क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का, एक बार आप ट्राई भी कीजिएगा खुद से, और नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मुझसे नहीं हुआ, प्लीज़ कराइए, तो उसको बढ़िया तरीके से आपको सोल्व करा जाएगा, और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम काफ़ी कुछ, अब आपका जो है मेन जो चैप्टर है सोल्यूबिलिटी, वो स्टार्ट हो जाएगा, हेनरी लॉ आपका आएगा, राउल्ट्स लॉ आएगा, वगैरह वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट्स आपके टॉपिक है। तो आई होप सो कि जो समझाया हो आपको समझ में आया हो, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, ऐसे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को समझने के लिए, केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।